सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद से ही बॉलीवुड पर एनसीबी की कड़ी नजर है। बॉलीवुड ड्रग केस में अब गुरुवार को एनसीबी ने निर्माता निर्देशक करण जौहर को भी समन भेजा। जांच एजेंसी ने करण से उस पार्टी की जानकारी मांगी जो उनके घर साल 2019 में हुई थी। शुक्रवार को करण ने इस पर जवाब भी दिया, लेकिन तब तक ये मामला सियासी भी बन गया था। कांग्रेस नेता सचिव ने करण को समन भेजने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी कंगना रनौत को समन क्यों नहीं भेज रही। उन्होंने पूछा कि जब पिछली सरकार सत्ता में थी तो एनसीबी ने करण जौहर की पार्टी की जांच क्यों नहीं की। वीडियो 2019 की वीडियो में वायरल हुआ था कि और फर्नांडिस जब गृह मंत्री थे तब ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए। उन्हें जवाब देना चाहिए क्योंकि एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है। एक और ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि एनसीबी अभी भी कंगना रनौत को क्यों नहीं बुला रही, जबकि उन्होंने एक वीडियो में कबूल किया था कि उन्हें ड्रग की लत लगी हुई थी। एनसीबी उन मुद्दों पर जांच कर रही है जिनका सुशांत सिंह राजपूत मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसके लिए उन्हें ईडी द्वारा बुलाया भी गया जा चुका है। सुशांत मामले में ड्रग एंगल खोजने में एनसीबी बुरी तरह से फेल रही है। उन्होंने आगे ये आरोप लगाए कि भाजपा ने राजनीति के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, उनका असली मकसद महाराष्ट्र को बदनाम करना था। योगी द्वारा यूपी में नई फिल्म सिटी शुरू करने के फैसले के बाद मुंबई पुलिस और बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश। सुशांत केस की जांच अभी भी सीबीआई के पास। भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों और एसएसआर के हादसे का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि करण जौहर के घर साल 2019 में एक पार्टी हुई थी जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। हालांकि बाद में बवाल होने पर उन्होंने इसे हटा भी दिया था। इस वीडियो में तमाम बॉलीवुड सितारे जैसे विकी कौशल, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर जैसे कई बड़े बड़े स्टार भी नजर आए थे। इस वीडियो में स्टार्स के ऊपर नशीले पदार्थ लेने का आरोप भी लगा था।